मोटो प्लानिंग कर रहा है अपने एक बजट 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने की, जो कि है मोटो G 5G। ये मोटो G 5G प्लस का एक लाइटर वर्जन होगा जो कि OnePlus N10 से कम्पीट करने वाला है। सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। ऑनेस्टली बोलता हूँ ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा नहीं होगा इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जिसका प्रो मॉडल था मोटो जी 5G प्लस वो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। अब ये लॉन्च होगा नहीं होगा इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा बजट 5G प्रोसेसर है, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देगा और आपको 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। मोटो जी 5G में आपको 6.6 इंच की एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बट लीक्स के मुताबिक यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले होने वाली है। बट आई थिंक यहाँ पे हमें IPS पैनल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मोटो जी 5G प्लस है वहां पे हमें IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो उसके छोटे भाई में भी IPS होने वाली है। बाकी यहाँ पे हमें 6GB और 128GB का एक रैम वेट भी देखने को मिल जाएगा। अगर कैमरास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सैमसंग का GM1 वाला सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो होगा और 2 मेगापिक्सल यहाँ पे आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलने वाला है। इन सबके साथ साथ आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। ऑन पेपर जो कैमराज है वो डिसेंट है, बाकी देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब फास्ट चार्ज होगा नहीं होगा इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें एटलीस्ट 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर तो देना चाहिए। अनबॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा विद स्टोक एंड्रॉइड। यहाँ पे आपको कोई भी एड्स कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, दैट इज ग्रेट। बाकी यहाँ पे हमें सभी इंपोर्टेंट सेंसर देखने को मिल जाएंगे। यस, यहाँ पे 3.5 जैक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आजकल फ्लैगशिप स्मार्टफोन में एकदम गायब सा हो गया है। तो ये कुछ फीचर है जो कि हमें मोटो जी 5G में देखने को मिलते हैं। अगर फीचर देखें तो काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बात रही इंडिया लॉन्च डेट की, तो यहाँ पे 50-50 है, स्मार्टफोन लॉन्च हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर लॉन्च होता है तो इसको अराउंड 20,000 रुपए इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। और वहीं जो OnePlus का N10 है उसका भी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, वो भी लॉन्च हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये थी पूरी कहानी मोटो जी 5G की। तो आज की वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शेयर वगैरह भी कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग टेक एडवाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।